सलमान खान बॉलीवुड के टाइगर और प्रभास साउथ के बाहुबली, दोनों की गजब की फैन फॉलोइंग है और दोनों की ही फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। अब जरा सोचिए कि अगर ये दोनों मेगा स्टार एक ही दिन अपनी अपनी बड़ी फिल्में सिनेमा घर में लेकर आते हैं तो क्या होगा। जाहिर तौर पर मुकाबला कड़ा और बराबरी का होगा। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन लगता है कि जल्द ही ये नजारा थिएटर्स में देखने को मिलेगा। जी हां, खबरें सामने आ रही है कि 2024 की ईद पर सलमान और प्रभास की भिड़ंत देखने को मिल सकती है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन की फिल्म प्रोजेक्ट के कथित तौर पर साल 2024 की ईद पर रिलीज हो सकती है। बताया जा रहा है कि फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग साल 2022 के अंत या फिर साल 2023 की शुरुआत में खत्म हो सकती है और साल 2024 की गर्मियों में ये फिल्म रिलीज हो सकती है। फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद डायरेक्टर नाग अश्विन और उनकी टीम पोस्ट प्रोडक्शन और वीएफएक्स पर काम करेगी। ये फिल्म थर्ड वर्ल्ड वॉर के इर्द गिर्द घूमेगी और काफी ज्यादा वीएफएक्स ड्रामा और इमोशन से भरपूर होगी। दरअसल इस फिल्म को साल 2024 की ईद पर रिलीज करने के कई सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म को कई सारी छुट्टियां मिलने वाली है। उस हफ्ते में ईद, अंबेडकर जयंती, तमिल न्यू ईयर और रामनवमी की छुट्टियां होंगी। ऐसे में फिल्म को कमाने के लिए कई सारे वीकेंड्स मिलने वाले हैं। वहीं सलमान खान और अली अब्बास जफर की भी अपकमिंग एक्शन फिल्म साल 2024 की ईद पर रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है। और अगर ऐसा होता है, सलमान और प्रभास एक ही दिन अपनी अपनी फिल्में रिलीज करते हैं और दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता है, तो ये बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा क्लैश होने वाला है। हालांकि ये तो अब आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि वाकई ये क्लैश ईद 2024 पर देखने को मिलता है या फिर नहीं। वैसे आप लोग 2024 की ईद पर सलमान वर्सेस प्रभास देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और इस क्लैश के बारे में आप लोगों की क्या कुछ राय है, बताना ना भूलिएगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में।